नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। इस वीडियो में ओडिशा पैन फिट करना सिखाऊंगा। ओडिशा पैन यानी कि इंडियन सादा सीट, प्लम्बर की भाषा में इंडियन सादा सीट इसको बोला जाता है, प्लम्बर और कस्टमर की भाषा में, लेकिन इसका जो सही नाम है वो है ओडिशा पैन। तो यहाँ पर ओडिशा पैन आज मैं आपको बताऊँगा किस तरह से फिट किया जाता है। कई बार जो है जो मेसन लोग होते हैं वो इसको फिट करते हैं, तो वो जो है बहुत बड़ी गलती करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा उनका जो है फिक्स किया हुआ, जब आप फ्लश करते हैं तो सीट में पानी ठीक से नहीं आता है और साथ में लीकेज आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन सादा सीट यानी कि ओडिशा पैन को आप प्रॉपर तरीके से कैसे फिट करेंगे ताकि जो है लीकेज ना आए, कभी भी लीकेज ना आए और ना ही फ्लश करने के बाद यहाँ पे प्रेशर वाला प्रॉब्लम आए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से यहाँ पे आप फिट करेंगे। तीन टॉयलेट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है जेंट्स टॉयलेट है। अब यहाँ पे जो है ये जो है इसमें कमोड का पॉइंट है, अभी मैं आपको बता दूंगा कमोड का पॉइंट आप कैसे बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दो जो है इसमें आएगा ओडिशा पैन। तो फिट करने का तरीका क्या है, सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए पहला टॉयलेट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी मिट्टी वाला यहाँ पे पी ट्रैप लगाया गया है। इसको जो है कुछ लोग साइफन बोलते हैं, एकदम देसी, और कई कई जगहों पे इसको मुर्गा बोलते हैं, तो वो गलत तरीका है। सही नाम इसका पी ट्रैप है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पी ट्रैप को फिक्स करना है। यहाँ पे ये जो है चीनी मिट्टी का पी ट्रैप है, तो सबसे बेटर होगा चीनी मिट्टी वाला न लगा के यहाँ पे जिस तरह से ये पी वी सी पाइप है इसका ही पी ट्रैप आप लगाइए। पी वी सी का पी ट्रैप आता है शॉप पे, हर शॉप पे मिलता है, हर छोटे बड़े शहर में मिलता है, आप ले आइए, सबसे बढ़िया होगा। लेकिन अभी यहां पे फिलहाल चीनी मिट्टी है तो इसको भी फिट करने का तरीका बताऊंगा ताकि जो है लीक ना करे। सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये जो पी ट्रैप दिख रहा है यानी कि साइफन, इसको पाइप के मुंह के अंदर डालना है। ध्यान रहे वो जो है ज्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, अगर टाइट है तो हल्का सा हीट करके इसको पूरा टाइट इसके अंदर पुश होना चाहिए, और अगर ज्यादा लूज है, गैप आ रहा है, तो इसको यहाँ पे आप ट्यूब लगाएंगे या फिर टेपलॉन लगाएंगे या फिर कपड़ा लगाएंगे, पूरा कुल मिला के ये टाइट इसके अंदर पुश होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इसको ग्राउटिंग करना है चारों तरफ से, सीमेंट से ग्राउटिंग कर देना अच्छी तरह से ताकि जो है कभी भी बैक ना आए। हालांकि ये जो है उधर स्लोप है इसलिए यहाँ पे कभी भी लीकेज का कोई भी चांस नहीं आएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है। उसके बाद नीचे देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो पी ट्रैप है यानी कि साइफन, इसके नीचे जब चीनी मिट्टी वाला फिट होता है तो भी यहाँ पर कुछ नहीं डालते हैं। ध्यान देना है हमेशा आपको यहाँ पे सबसे नीचे देखिए यहाँ पे कंक्रीट का ढलाई करना है। कंक्रीट का ढलाई कर देंगे प्रॉपर, उसके बाद यहाँ पे सीमेंट से ग्राउटिंग कर देंगे। यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, सीट को उठा के रखना है। अब जब सीट को यहाँ पे आप उठा के रखेंगे तो उसमें क्या ध्यान रखना आपको बताता हूँ मैं। देखिए एक टॉयलेट ये है, यहाँ पे फिट होगा। उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी ये जो पी ट्रैप है देखिए सीमेंट से ग्राउटिंग कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कंक्रीट से पूरा यहाँ पे स्लैबिंग कर दिया गया यानी कि ढलाई कर दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं प्रॉपर। अब देखिए सीट को क्या करना है, ये देखिए इंडियन सादा सीट यानी कि ओडिशा पैन ये दिख रहा है। देखिए ओडिशा पैन ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए ये कोई ब्रांडेड नहीं है, लोकल सीट है ये, आपकी इच्छा है अपने बजट के हिसाब से, अगर आप बढ़िया वाला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन आप देखिए मैं आपको बताता हूँ लोकल वाले में क्या फर्क होता है। लोकल वाले में देखिए यहाँ पे इसका जो होल है ना, देख सकते हैं अंडा की तरह बनाया गया है, एकदम बिल्कुल अंडाकार है, गोल नहीं है, गोल शेप में जो रहता है वो बढ़िया होता है। और यहाँ पे होल भी यहाँ पे गलत है, अगर वाशर को अगर आप ज्यादा अंदर कर देंगे तो इसका जो होल पूरा बंद हो जाएगा, पानी ही यहाँ पे अंदर नहीं जाएगा। तो जो मिस्त्री होते हैं ना, जो घर बनाने वाले कारीगर, वो यही गलती करते हैं, पूरा दबा के अंदर डाल देंगे या फिर कपड़ा नहीं लगाएंगे, कपड़ा लगाते हैं उसके बाद पाइप पूरा घुसा देते हैं। तो ये चारों तरफ से ये जो होल है आप देख सकते हैं कितना किनारे दिया हुआ है ऊपर, तो पाइप को जब आप अंदर डालेंगे ज्यादा तो फिर ये होल बंद हो जाएगा, इसलिए हल्का ही यहाँ पे पुश होगा। तो मैं आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पे क्या करना है, किस तरह से कपड़ा नहीं लगाना है, कपड़ा कुछ टाइम के बाद सड़ जाएगा। देखिए ये वाशर है, देख सकते हैं ये वाशर सिस्टम के साथ में आता है, और अगर सिस्टम के साथ में अगर सिस्टम आप नहीं ले आ रहे हैं तुरंत परचेज करके तो क्या करेंगे, यहाँ पे अलग से मिलता है, प्लम्बिंग वाले शॉप पे मांगेंगे वो आपको दे देंगे, 20 रुपए का मिलता है ये वाला। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इस तरह से पुश करेंगे, ज़्यादा नहीं पुश करना है, बस थोड़ा ही। देखिए यहाँ पर इतना अंदर मैं पुश किया, होल इसका बंद हो गया, सीट का जो ये होल है पानी गिरने वाला ये बंद हो गया, ये गलत दिया हुआ है, बहुत गलत दिया है। तो ये हल्का सा ही यहाँ पर इतना मुझे लेना होगा, ठीक है, इतना ही ऊपर ये रहेगा तभी जो है प्रॉपर ये काम करेगा। तो कुल मिला के ये सीट जो है लोकल, इसलिए दिक्कत आ रहा है। अब एक होल यहाँ पे दिया हुआ है पीछे, ये नीचे है, उसके बाकी ये दो होल ऊपर दिया है, तो ये बंद नहीं होना चाहिए। कुल मिला के वाशर आपको लगाना है तब जो है लीक नहीं करेगा और पानी फ्लश वाला पूरा भरपूर सीट में आएगा चारों तरफ से। देखिए पाइप को इस तरह से इसके अंदर डाल देना है।
अब क्या करेंगे, अभी ये बहुत बड़ा है तो क्या करना होगा, इसको छोटा करना है। यहाँ पे ये काट के छोटा करना पड़ेगा। तो अभी मैं ये बैंड यहाँ पे लगाऊंगा। उससे पहले अब सीट को उठा के सबसे पहले वहां पे रखेंगे। लेबल आपको करना है, सीट को बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए, लेफ्ट राइट या फिर अप डाउन नहीं होना चाहिए। देखिए सीट को यहाँ पे उठा के रखना है इस तरह से। अब ये वाला सिरा पीछे की तरफ झुका है, आगे उठा है, तो बिल्कुल आपको लेवल करना है। कुल मिला के जब यहाँ पे आप सीट रख रहे हो ना, तो सीट के यहाँ पे नीचे से सीमेंट से चारों तरफ से ग्राउटिंग करेंगे। यहाँ पे सीट का ये जो मुंह है ना, ये देखिए वेस्टेज वाला ये जो मुंह है, और ये साइफन, ठीक है, यहाँ पे सीमेंट से अच्छी तरह से ग्राउटिंग करेंगे रखने के बाद। देखिए मैं इस तरह से रख रहा हूँ, देखिए रख दिया। लेवल करने के बाद, रखने के बाद यहाँ पे ग्राउटिंग करेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो है लीकेज ना आए कभी भी। दो जगह से लीक होता है साइफन से, एक तो यहाँ पे सीट और साइफन के बीच से यहाँ से लीक करता है, और सेकंड जो है वो ये कि यहाँ से लीक करता है। तो यही आपको ध्यान देना है, दो जगह से, यहाँ से लीक करता है, यहाँ से लीक करता है, चीनी मिट्टी वाले में। इसीलिए मैं बोला हूँ ये पीवीसी ट्रैप सबसे बढ़िया रहेगा। अब देखिए भराई यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, चारों तरफ से पूरा साइड साइड से जो है, देखिए अच्छी तरह से मसाला यहाँ पे भरेंगे। देखिए ठूस ठूस के पूरा, ठीक है, प्रॉपर अच्छी तरह से यहाँ पे भरना है, और जो प्रोसेस मैं बताया हूँ उसी तरह से यहाँ पे फिक्स करना है, ताकि जो है लीकेज वगैरह ना करे। सीट जो है लेबल आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, लेफ्ट राइट या फिर अप डाउन झुका हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको फिट करना है। देखिए ये लास्ट है, ये चौथा सीट है, उसके बाद और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो है अपना, ये तीसरा वाला है, वो चौथा था, ये तीसरा है। देख सकते हैं ये भी प्रॉपर यहाँ पे फिक्स हो गया है, प्लस वाला पाइप भी यहाँ पे लग गया है। इस तरह से आपको फिक्स करना है, वाशर वगैरह लगा लेना है इसमें प्लस वाले पाइप में, नहीं तो फिर दिक्कत आएगा, यहाँ पे पानी ड्रेन नहीं होगा पूरा प्रॉपर। ये हो गया तीसरा वाला, चलिए अब दूसरा मैं दिखाता हूँ। दूसरा और पहला, दो सीट यहाँ पर फिक्स हो गया है। देखिए अभी ये फिक्स हो रहा है, उसके बाद आगे दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे दूसरे टॉयलेट में आया, आप देख सकते हैं दोनों सीट यहाँ पे फिक्स है। ये देखिए ये भी पूरा प्रॉपर यहाँ पे फिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ भी ये फिक्स हो गया, टोटल चार सीट यहाँ पे फिक्स हो गया है। उसके बाद ये वाला जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये कमोड का पॉइंट है, कमोड का पॉइंट। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। अभी यहाँ पे प्लास्टर नहीं हुआ है और टाइल्स भी यहाँ पे नहीं लगा है, तो कितना रखेंगे बताता हूँ मैं, साइड वाले वाल से पीछे वाले वाल से। देखिए पीछे वाले वाल से, ये देखिए पीछे वाले वाल से अभी कितना आ रहा है, ये यहाँ पे देखिए, ये जो है मैक्सिमम रखा हूँ मैं यहाँ पे, जो है ये 12 इंच आ रहा है, यानी कि एक फीट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है मैक्सिमम है, मिनिमम यहाँ पे आप 11 इंच रखेंगे पीछे वाले वाल से। किसी भी तरह का कमोड होगा वो यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कमोड आपको चेक करना है कौन सा है, साइफोनिक है 300 mm वाला या फिर 220 mm वाला, दो तरह का आता है। मेरे केस में यहाँ पे कंबाइंड कमोड लगेगा 220 mm वाला, इसलिए इसको मैं रखा हूँ। अभी देखिए ये मैक्सिमम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 इंच यानी कि एक फिट है। अब यहाँ पे प्लास्टर आएगा, टाइल्स आएगा, 2 इंच पूरा माइनस हो जाएगा, 10 इंच बचेगा। अब 10 इंच में कमोड मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। पीछे से यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ रहेगा, कमोड जब आप लगाएंगे तो फिर यहाँ पे टाइल्स से बिल्कुल चिपका हुआ रहना चाहिए, यानी कि पीछे वाले दीवार से बिल्कुल टच होके रहना चाहिए। अभी यहाँ पे ये जो टॉयलेट है 3x3 का है, इसलिए इसको सेंटर में पॉइंट बनाना है। और अगर लैट्रिन बाथरूम अटैच है तो यहाँ पे साइड वाले वाल से मिनिमम जो है 22 इंच रखेंगे, और मैक्सिमम इसको आप 24 इंच पे रखेंगे, ये कमोड का पॉइंट जब आप बना रहे हो। अभी देखिए ये सेंटर में है, क्योंकि यहाँ पे चौड़ा इसका 3 फीट है, इसलिए सेंटर में है। पीछे वाले वाल से मिनिमम जो है आप 11 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 12 इंच रखेंगे, ये कमोड का पॉइंट, ठीक है, प्लास्टर से पहले। तो इस तरह से यहाँ पे फिटिंग हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरा सफाई के साथ काम करना है। यहाँ पे ये कमोड का पॉइंट था, उसके बाद यहाँ पे इंडियन सादा सीट एक ये फिक्स हुआ, उसके बाद ये दूसरा हो गया, उसके बाद दो जो है उधर है।